जब भी हम लोग रेनकोट पहनते हैं तभी कभी भी बारिश नहीं गिरेगी। थोड़ा अनइजी फील हो रहा है। एक तो बाइक राइड होगी, मैं तो ट्रैकिंग ही नहीं करूंगा। बारिश का मौसम रहे और पहाड़ों पे ना जाए तो मज़ा नहीं आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो बेसिकली पीछे जो आपको दिख रहा है, ये जो नज़ारा दिख रहा है, यही एक्सप्लोर करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। सो ये एक मिनी ट्रैक रहने वाला है। मैं, श्रेयस, सौमित्र और अक्षता हम लोग जाने वाले हैं ये ट्रैक करने के लिए। और इस व्यू को, इस ये जो अभी फॉग क्लाउड्स ये सब दिख रहा है, इस व्यू को पास से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो थोड़ा अलग अलग टाइप में मैं बनाने वाला हूँ। सो इट्स 6 o'clock राइट नाउ और थोड़ी देर में निकलना है। अभी हवा भी बहुत तेज़ है, बारिश फिलहाल में बंद है। अगर बारिश रहेगी तो मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ पार्ट्स में रिस्की होने वाला है। सो लेट्स सी। बारिश की एक ख़ास बात है कि जब भी हम लोग रेनकोट पहनते हैं तभी कभी भी बारिश नहीं गिरेगी, और जैसे ही अभी रेनकोट निकालेंगे बारिश चालू हो जाएगी। ये साइड में देखो कुछ भी नहीं है, और ये साइड देखो स्वर्ग है। पड़ाव हमारा हो चुका है, अभी ये वाले पॉइंट पे जाना है, या उससे भी थोड़ा पीछे जा सकते हैं। थोड़ा अनइजी फील हो रहा है, एंड मेन मतलब कैसा है कि नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी कल, और सौमित्र, अक्षता, श्रेयस गए ऊपर, अभी सारा निकल गया बाहर, तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ तक आते आते हालत टाइट हो गई। एंड थोड़ा सा ये वाले पॉइंट से यहाँ तक आते आते वाट लग गया, आई डोंट नो व्हाई, बट यस हो गया। बट अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह शायद ऊपर जाऊँगा। बारिश चालू हो गई है, अभी ऐसे ही रुकने वाला हूँ मैं, रेनकोट पहनने नहीं वाला। रेनकोट पहनने के बाद बारिश नहीं आती है, लेकिन ऐसे भीगने में भी मज़ा आ रहा है मेरे को। अभी सच्ची में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ओ भाई आवी बक हाँ Finally reached at the top. Energetic, ये भी energetic. हमेशा battery लो. खेकड़ा. यहाँ पे खेकड़े बहुत है. बाप रे. ओ भाई. इथे पण है. मैं इथे. चला. काय काय आणलंय खायला. काढूया जेम्स ला आहे ट्रेकिंग पे हा ये वाला एरिया उल्वे ये साइड में पनवेल खारगर वो सब और ये नावा शिवड़ी लिंक दिख रहा है दिस वन चलो अभी निकलते हैं ऊपर आते वक्त हमको कितना तीन घंटे लगे बिकॉज ऑफ मी ड्यू टू मी बिकॉज ऑफ मी 3 घंटे लगे क्योंकि मेरी हालत बीच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई लेकिन उतरते वक्त 1 घंटे में उतरे नहीं उतरते वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता सिर्फ चढ़ते वक्त मालूम नहीं क्या होता है स्टैमिना ही नहीं है अरे खेकड़ा नहीं काड़ी धर ली टाइटल है नहीं थंबनेल हाँ बाप रे यहाँ पे खेकड़े बहुत है और वो देखो काय नाही करणार तू खाली जा श्रेयस तू खाली जा ना खाली जातो
चलो अगली बार से एक तो बाइक राइड होगी, मैं तो ट्रैकिंग ही नहीं करूँगा। मी सांगितलं ना इन केस ऑफ फॉल डोंट पॅनिक, निघून जायचं। अम्मो सो वाहा घसरडा आहे जरा। डपलो होतो आता, हे घसरता यार, काढून ठेव का? नाही काढल्यावर अजून वाट लागेल। हे धरतोस का तू? काढलंस तर डायरेक्ट पनवेलला पोचशील। काय झालं जोरात फिरतोस दादा? सो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग नीचे बाइक के पास, एक दो मिनट में पहुंच जाएंगे। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको नेचर वॉक दिखाना चाहता था, पूरा नेचर दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं तो आई वांटेड टू ट्राई समथिंग लाइक दैट। जो सोलो कैंपिंग करते हैं या सोलो ट्रिक्स करते हैं तो उस कैटेगरी में, उस टाइप में मुझे वीडियो बना के देखना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो आज ट्राई किया है एंड अच्छा लगा, मुझे खुद को भी अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज़ इसमें रहती है कि मेहनत बहुत लगती है, मतलब है जैसे अभी यहाँ से अगर शॉट लेना है तो पहले शॉट लेने के लिए कैमरा वहाँ पे रखो, फिर से नीचे आओ, फिर से ऊपर चढ़ो, बट मज़ा आता है। कंटेंट एक मुझे भी चेंज करके देखना था, एक नया ट्राई करना था, इसके लिए मैंने आज ऐसा वीडियो बनाया है। सो अगर अच्छा लगा रहेगा आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।